हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन ऑफ कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ इम्यूनिटी बूस्टर चाय। ये एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड से सीखा है, पल्लवी, मेरी अपार्टमेंट की है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, पल्लवी टटावर्टी। मैंने उससे सीखा है। चाय तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेक्निक होता है जो चाय के स्वाद को और चेंज कर देते हैं। और ये मौसम में, अभी ये सर्दी का मौसम भी है प्लस कोरोना टाइम है, तो हम लोग सबको ही कोल्ड कफ इससे डर रहे हैं। तो ये चाय बहुत ही हेल्दी है, तो इससे हम कोल्ड कफ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इवन हम बच्चों को भी पिला सकते हैं ये चीज। तो मैं अभी एक जने के हिसाब से बनाया है, तो लेट्स डू दैट। कैसे बनाया है, तो मैं एक मतलब एक पर्सन के हिसाब से मैंने इतना सा, मैंने दालचीनी, सिनेमन स्टिक लिया है, दो इलायची लिया है, कार्डमम, दो ब्लैक पेपर लिया है और दो क्लोव लौंग ये लिया है। मैं सबको थोड़ा कूट लूंगी अभी अच्छे से। ये मैंने क्रश कर लिया है, अब देख सकते हो अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे एक जने के हिसाब से बना रही हूँ फॉर वन मेंबर, तो मैं हाफ कप पानी अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इस पे डाल रही हूँ और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ ये कूटा हुआ मसाला और उसके साथ मैं ऐड करूंगी दो लेमन ग्रास। ये तो इसको मैं थोड़ा ट्विस्ट करके ही डालूंगी, मतलब ऐसे सीजर से कट करके नहीं, हाथ से ही इसको छोटा छोटा पीस पे कट करके मैं इसको इस पे डाल दूंगी। पहले आपको ऐसे करके इसको ट्विस्ट करके ऐसे छोटे छोटे पीस पे कट करके इसको आपको डालना है। और ये अभी मैं पहले बॉईल कर लूंगी अच्छे से, जब तक ये कलर ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए, ये सब मसाले पानी के साथ अच्छे से बॉईल नहीं होने तक, इसका कलर पानी का कलर चेंज नहीं होने तक मैं इसको बॉईल करूंगी। ये टिप्स मैंने पल्लवी से ही सीखा है, उसने बताई थी अगर ऐसे करोगे तभी जाके चाय बड़ी अच्छी बनती है, उसका सही में टेस्ट बड़ी अच्छी बनती है। तो अभी मैं पहले इसको अच्छे से कुछ देर बॉईल कर लूंगी, उसके बाद ही मैं इसमें चाय के पत्ते ऐड करूंगी। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज डालना भूल गई, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर, इतना सा जिंजर मैं इसको ग्रेट करके डायरेक्ट इस पे डाल दे रही हूँ। 5 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लिया है, अब देखो पूरा कलर इसका चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाय, तो एक मेंबर के हिसाब से एक टीस्पून ही चाय चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर मैं इसको अभी और 2 मिनट इसको बॉईल कर लूंगी, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है क्योंकि मैं बिना शुगर का चाय पीती हूँ। अगर आप शुगर विद शुगर चाय पीते हो तो आपके हिसाब से इसमें शुगर डाल सकते हो। 2 से 3 मिनट मैंने चाय के पत्ती डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क, हाफ कप मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको फिर से कुछ देर तक बॉईल करूंगी। इम्यूनिटी बूस्टर टी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज आप ये घर पे ट्राई कीजिए और इस ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।